नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बीके टेक में। दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे फोटोशॉप में किसी भी फ़ोटो को रिसाइज कैसे करते हैं। जैसे ज़्यादा केबी की फ़ोटो है तो उसको हम कम केबी में कैसे करते हैं। दोस्तों कई बार हमसे एग्जामिनेशन फॉर्म में अलग अलग केबी की फ़ोटो मांगते हैं, जैसे फ़ोटो हमारा मांगते हैं 20 से 50 केबी के बीच में और सिग्नेचर मांगते हैं 10 से 20 केबी के बीच में। तो इसमें इस तरह हम फ़ोटो को रिसाइज कैसे करें तो हम आपको फोटोशॉप में बताएंगे। वैसे तो बहुत सारे वेबसाइट हैं जिसकी मदद से आप फ़ोटो को कम केबी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आज हम आपको फोटोशॉप पे बताएंगे कि फ़ोटो की साइज कैसे कम और ज़्यादा की जाती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और राइट साइड में बेल आइकन वाला बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों हम फाइल पे आएंगे, ओपन पे आएंगे और फ़ोटो ओपन करेंगे जिसको हमें कम केबी में करना है। तो ये हमारी फ़ोटो है, तो सबसे पहले इसका हम प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज दोस्तों राइट क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज हमारा खुल के आएगा। ये दोस्तों इसकी साइज़ देखते हैं तो यहाँ पे 750 केबी का है, तो इसको हमें 20 केबी तक करना है। तो दोस्तों इसको हम फोटोशॉप पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों हम फाइल पे आते हैं और यहाँ कई सारे ऑप्शन हैं, तो हमें सेव फॉर वेब वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और दोस्तों अब यहाँ पर हैं कलर टेबल और इमेज साइज है, तो कलर टेबल के पर जो इमेज साइज है इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहां से हमारा साइज खुल के आएगा और दोस्तों इसका जो प्रॉपर्टीज है फ़ोटो का हमें यहां पे शो हो रहा है, ये फ़ोटो 751 केबी की है, इसको हमें 20 केबी की करना है। तो दोस्तों यहां पे सबसे पहले हमारा जो यहां पे है यहां पे क्लिक होना चाहिए और विथ केवल हमें बदलना है, तो विथ को हम कम कर देते हैं, ये 1210 है, इसको हम 500 कर देते हैं और 500 करने के बाद इसको हम अप्लाई कर देते हैं। अब दोस्तों ये देख सकते हैं आप फ़ोटो का साइज कम हो गया, लेकिन यहाँ पे 133.3 केबी अभी भी है, तो इसको हम और कम कर देते हैं, 350 कर देते हैं। ये दोस्तों अभी 68.89 केबी का दिखा रहा है, तो इसको हम और कम करेंगे, इसको हम कर देंगे 150 और अप्लाई कर देंगे। ये हो गया हमारा 16.37 के भी, तो हमें चाहिए 20 के भी, थोड़ा इसको हम बढ़ा देते हैं यहाँ से, इसको हम कर देंगे 170 और अप्लाई कर देंगे। ये हमारा हो गया 20.02 के भी। अब दोस्तों इसको हम अपलोड कर सकते हैं, इतना चलेगा हमारा 20.02 के भी यहाँ पे हो गया है, इसको हम बहुत ही आसानी से अपलोड कर सकते हैं। इसको हमें सेव करने के लिए यहाँ पर सेव पर आना है। सेव पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम फ़ोटो का नाम दे देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं 20 केबी फोटो और इसको हम सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पर। तो यह हमारा 20 केबी का फ़ोटो बन गया है। अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो वहाँ से वेट बढ़ाकर आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको हम बंद कर देते हैं और सिग्नेचर पर आते हैं। दोस्तों यहाँ से हम ओपन पर आएँगे और सिग्नेचर हमारा है ड्राइव में। इसकी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं, सबसे पहले राइट क्लिक कर प्रॉपर्टीज और यहाँ पे देखिए इसकी साइज है 81.3 के भी, इसको हमें करना है लगभग 15 से 20 के भी, तो हम इसको 15 के भी में करेंगे। तो दोस्तों इसको हम ओपन कर लेते हैं फोटोशॉप पे, थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं कंट्रोल एल की मदद से, ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा पढ़ा देते हैं और ओके कर देते हैं। दोस्तों यह है, इसको हम फिर से फाइल पे जाते हैं और सेव फॉर वेब वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ इमेज साइज, तो दोस्तों इसकी प्रॉपर्टीज हमें इस सिग्नेचर की प्रॉपर्टीज हमें दिखा रही है 80 के बी, इसको हमें करना है 15 के बी, तो यहाँ पे हमें वेट को कम करना है, इसको हम कर देते हैं 500 और अप्लाई कर देते हैं। ये हो गया 24 के भी, इसको हम थोड़ा और कम करते हैं 400 कर देते हैं। अब ये हो गया हमारा 17.49 के भी, थोड़ा सा हम और कम कर देते हैं, इसको हम 15 के भी में बनाएंगे,
को हम 350 कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। थोड़ा ज़्यादा कम हो गया, 13 KB हो गया, इसको हमें बढ़ा लेना है, 370 कर देते हैं इसको और अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा 15.6 KB का फ़ोटो यहाँ पे सिग्नेचर हो गया है। देखिए प्रॉपर्टी दिखा रहा है आपको 15.06 KB। अब ये हमारा 15.6 KB का फ़ोटो हो गया है, इसको भी हम अपलोड कर सकते हैं रिक्वायर के हिसाब से। तो आपको जिस भी साइज में इसको रिसाइज करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं सिग्नेचर को, यहाँ पे डेस्कटॉप पे आएंगे और यहाँ पे सिग्नेचर SIGNA 15 KB इसको हम सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप भी फोटोशॉप पर किसी भी फोटो या सिग्नेचर को इसकी मदद से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसकी साइज को। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।